Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 ऑफिशियल ट्रेलर। जितेंद्र कुमार, मयूर मोरे, रंजन राज एंड इन दिस वी हैव आलम खान। तो कोटा फैक्ट्री 3 एक्चुअली ये वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज है वेर विच मेरे को पता चला, हाँ भाई इसको वेब सीरीज बोलते हैं ऐसा मुझे पता चला फ्रॉम द कोटा फैक्ट्री ओनली। और एक्चुअली कोटा फैक्ट्री का मैंने सीजन 2 नहीं देखा है। सीजन 1 में भी आई गेस मैंने सिर्फ 3 एपिसोड्स ही देखे हुए हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि तब मैं आई वॉज नॉट इन दैट एरा, या इन आई वॉज नॉट इन दैट एरा कि यार भाई वेब सीरीज मेरे को अट्रैक्ट करे। अभी यस, वेब सीरीज मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट नॉट ऑल, ओनली सम ऑफ देम। बट यहाँ जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी वेब सीरीज वॉज फ्रॉम द आई गेस कोटा फैक्ट्री, तो मेरे को तब समझ में आया हाँ भाई वेब सीरीज मतलब ऐसा ऐसा होता है उसमें ऐसे ऐसे एंड ऑल दैट थिंग्स। आई गेस हमने फर्स्ट 3 एपिसोड देखे हुए थे कोटा फैक्ट्री के एंड आई लव देम। आई डोंट नो मैंने बीच में क्यों छोड़ दिया, मे बी आई वॉज नॉट अ वेब सीरीज काइंड ऑफ अ पर्सन देन। आई गेस मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से देखना कोटा, क्या क्या बोल सकते हैं, कोटा फैक्ट्री ये वाला से फ्रॉम द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ। सो टुडे वी आर हियर विद कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 का ट्रेलर। सो एंड ऑल्सो वी हैव जीतू भैया इन हियर, सो लेट्स सी हाउ, मतलब जितेंद्र कुमार यहाँ से ही आगे स्टार्ट हुआ है ना उनका, जीतू भैया बोलना राइट। सो लेट अस सी हाउ दिस ट्रेलर ऑफ कोटा फैक्ट्री सीजन 3 इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि हमें सक्सेसफुल सिलेक्शंस के साथ साथ सक्सेसफुल प्रिपरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई, तैयारी जीत है। तो दोस्तों ये है कोटा के बेस्ट टीचर जीतू भैया। हाँ या ना, कुछ बोल भाई। जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? मैम क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं, टीचर डांट दे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, दोस्त ने कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है, हर चीज सीरियसली लेते हैं लोग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। जी तो सर नहीं ले पाएंगे। जहाँ पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई, अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। एंड ऑफ द ईयर हमें भी तो रैंक से दिखाने पड़ेंगे ना, मैटर तो हमारे लिए भी रिजल्ट ही करेगा। आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेगा? एक्चुअली ये यहाँ पे है ना, इट्स वेरी रिलेटेबल टू मी, क्योंकि मैंने नीट दिया था, आई गेस नीट 2018, यस नीट 2018 मैंने दिया था एंड आई हैव बीन स्कोर्ड वेरी वेरी लेस, क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था एंड सोलापुर में जहाँ पे मैं रहती हूँ इट वॉज लाइक वेरी न्यू और वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वेर डूइंग दैट एंड मेरे को कुछ गाइडलाइंस या गाइडेंस नहीं था फ्रॉम द टीचर। मतलब टीचर्स भी ऐसे थे यार कि अगर जाओ भी इतने पैसे भर के उनके पास जाओ पूछो भी, इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता था कि यार ऐसे ऐसे इट इज देयर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग्स एंड बीइंग अ गुड मेंटर विथ यू इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम कि यार हमारे फीलिंग्स को समझे कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट रॉन्ग इज विद अस कि क्यों हो नहीं रहा है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें. एंड आई गेस उस वजह से ही इतना पढ़ाई करके भी आई डिडेंट अचीव द रैंक आई वॉन्टेड. मेरे को बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले थे, आई गेस 200 से भी कम मार्क्स मिले थे मुझे उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी आई डिडेंट इवन क्वालिफाई फॉर दैट. मेरे को एक्चुअली मिला था, आई गॉट आई गेस BHMS होम्योपैथी में मिला था, होम्योपैथी में मिला था, बट आई डिडेंट हैड दैट एम कि मेरे को होम्योपैथी चाहिए. अगर मेरे को चाहिए था आई वॉन्टेड एन MBS, इफ नॉट देन आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. इट वॉज लाइक दैट फॉर मी. और यहाँ पे जैसे कोटा फैक्ट्री, यहाँ पे जीतू सर नहीं बने, ही बिकेम ए जीतू भैया. एवरी नीड एस्पिरेंट और एवरी JEE मेन्स या JEE एडवांस एस्पिरेंट नीड्स जीतू भैया इन देयर लाइफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा होना. और आजकल इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि एक स्टूडेंट को समझना इट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको स्टूडेंट सिर्फ स्टडीज ही ना बट उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कि वॉट दे हैव बीन इवन गोइंग थ्रू राइट, क्योंकि मतलब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स लाइक वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे. और जो समझाने वाला होना चाहिए ना वो भी एक डांटने वाला नहीं होना चाहिए, दैट यू शुडंट गेट इरिटेटेड बाकी हम जो भी पूछे. तो मैं मेरे को ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिले एक्चुअली, जब मैं जाके पूछती थी, एक बार पूछती थी ठीक है वो समझा देते थे, लेकिन अगर मेरे को समझ नहीं आता था 2-3 बार पूछो दे गेट इरिटेटेड वेरी इजीली. तो ऐसे थे मेरे टीचर्स स्पेशली, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ओके मतलब एक दो थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत समझा रहे थे. मैं जितनी बार भी जाऊँ दे यूज टू मतलब समझ के यार मतलब ये इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग समझाना पड़ेगा इसको, तो दूसरे दूसरे एग्जाम्पल देकर समझा देते. बट दे वर लाइक जीतू भैया इन व्हाट वी कैन से. इसीलिए मुझे एक्चुअली जूलॉजी में एक्चुअली मुझे जो अगर बिना माइनस कट किए ना, माइनस वन कट किए, मेरे को एक्चुअली 369 मार्क्स या 367 कुछ थे. और फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मेरे इतने सारे मार्क्स आधे में से आधे हो गए थे. आई गॉट वेरी नाइस इन जुअलॉजी, पता है जुअलॉजी और बॉटनी दोनों मिलके दे वर वेरी गुड मार्क्स. और मेरे सिर्फ अगर पीछे रह गई मैंने अटेंड किया इसलिए आई जस्ट गॉट दैट लो मार्क्स, नहीं तो आई वॉज लाइक बींग इन अ वेरी गुड कोई तो कॉलेज में. अभी तक प्राइवेट तो प्राइवेट, लेकिन आई डोंट रिग्रेट, आई लिटरली डोंट रिग्रेट. अभी जो लाइफ आई हैव बीन लिविंग इट्स वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस पता है. एंड इन हियर द कोटा फैक्ट्री सीजन 3, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है टू मी. आई वुड डेफिनेटली वॉच इट फ्रॉम द सीजन 1 आज से, तो क्योंकि मेरे सीजन 3 अभी आ ही रहा है, तो आई बी वेरी एक्साइटेड कि सीजन 3 तक ये बिंज वॉच किया जाए, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3. जीतू भैया एक्चुअली ऐसा हो गया ना, भी जीतू जितेंद्र कुमार जो भी है उनको पंचायत सचिव जी जैसे आई बीन इमेजिनिंग इमेजिनिंग इमेजिनिंग, अभी डायरेक्टली जीतू भैया का ये जो ऐसा ट्रांजिशन यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा मुझे टू गेन दैट, बट यस आई हैव बीन वॉचिंग इट, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.